कि अगर हम बात करें तो हमारे क्लाइंट हैं, उनके लिए हमने प्लान को बनाया है। आप देख सकते हैं प्यारा सा एलिवेशन आपको मोल्डिंग के साथ इस तरीके से मिलेगा। मैं इसका अलग अलग कलर भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। अगर आप येलो कलर में कराते हैं तो आपको इस तरीके से एलिवेशन दिखेगा, रेड कलर में आपको इस तरीके से दिखेगा, बाकी ये पिंक कलर में आपको इस तरीके से दिखेगा। डबल फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये आपको इस तरीके से प्यारा सा एलिवेशन दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत सा एलिवेशन है। गांव में इस प्लान को आप बनाएंगे तो बेशक बहुत ही प्यारा सा एलिवेशन आपका लगेगा। तो चलिए इसका वॉक अराउंड वीडियो आपको दिखाते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको प्लान कैसा लगा। फ्रंट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉलम के साथ आपको मॉडलिंग का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। ये आपका विंडो का डिज़ाइन है, इस तरीके से आपको खिड़की का डिज़ाइन, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मॉडलिंग का यूजेज यहाँ पे किया है दोस्तों। कॉलम का हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से 7.5 फीट हाइट पर मैंने कॉलम कास्टिंग किया है, क्योंकि मकान की हाइट 10.5 फीट है तो कॉलम आपका 7.5 फीट है। बाकी खिड़की के ऊपर भी आपको खपड़ैल मॉडल का डिज़ाइन आपको मिलेगा। ऊपर रेलिंग की बात करें तो रेलिंग में भी आपको इस तरीके से खपड़ैल मॉडल का डिज़ाइन है। इसका पूरा डिटेल, एक एक डिटेल, एक एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा रेलिंग, ग्रिल वगैरह बहुत प्यारा सा एलिवेशन आपको दिखेगा दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं इसमें ईंट और ग्रिल के साथ ये एलिवेशन आपको पूरा ये मिलता है। सेंटर में आपका जो पोर्च है इसको थोड़ा सा मैंने 6 फीट आगे लिया है, अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आपका बरामदा रहेगा, मेन गेट इस तरीके से बरामदा, बहुत प्यारा सा एलिवेशन आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये पूरा एलिवेशन है। चलते हैं इसके डिटेल वीडियो की तरफ और आपको एक डिटेल बताते हैं दोस्तों। डिटेल वीडियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एलिवेशन समझ लीजिए। मकान की हाइट यहाँ पे मैंने 3 फीट रखा है और ये जो छज्जा लिया है ये 6 फीट आपका आगे है, तो मतलब ये दीवार से आपका दोनों साइड रूम 12x12 के रूम है, बीच में बरामदा 17.5 फीट का है, 17 फीट चेंज का। तो ये इसलिए हमको यहाँ पे 3 कॉलम देना पड़ा क्योंकि 17.5 फीट में लेंथ ज़्यादा हो रही थी, तो एक कॉलम हमको सपोर्ट करना जरूरी था दोस्तों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक कॉलम बीच में दिया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए 12x12 का रूम हो गया 2, बीच में 17.5 फीट का ये आपका बरामदा एरिया, और ये 6 फीट का आपका आगे इस तरीके से बरामदा आगे निकलेगा, इस तरीके से 6 फीट आपका आगे रहेगा दोस्तों। अब डिज़ाइन कैसे बनाया गया है, पहले मैंने मकान की टोटल हाइट 10.5 फीट रखी है, 10.5 फीट टोटल हाइट रखी है, जिसमें 7.5 फीट पे कॉलम कास्टिंग किया गया दोस्तों, ठीक है। 7.5 फीट पे कॉलम कास्टिंग की, उसके बाद ईंट का ये डिज़ाइन बनाया गया है, और इसमें आपको 3 मोल्डिंग, ये जो छज्जा है 2-2 इंची के 3 मोल्डिंग बनाई गई है, और ये जो स्लोप रखा गया है 6 इंची ऊपर, और इसको स्लोप को आगे इस तरीके से मेंटेन कर दिया है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे समझिएगा, इसको मैंने 2 फीट सीधा किया है 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, फिर 6 इंची पर, फिर 1 फीट सीधा, उसके बाद फिर राउंड कर दिया है। और राउंड करते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये छत से टच ना हो, ये जो खपड़ैल मॉडल डिज़ाइन दिया गया छत से टच ना हो, इसमें 2 मोल्डिंग आपके इस तरीके से रहेगा। इस साइड हमने सीधा ही इसको रखा है दोस्तों, ठीक है। खिड़की का डिज़ाइन आप देख लीजिए, एकदम सिंपल है, ऊपर खपड़ैल मॉडल है, 1 फीट 2 इंच छज्जा करके इसके बाद इस पर खपड़ैल मॉडल कर दिया है दोस्तों। अब अगर हम रेलिंग की बात करें तो जो भी आपका रेलिंग है इसकी हाइट हमने 3 फीट रखा है, और इसमें भी आप देख सकते हैं बॉटम में आपको 3 मोल्डिंग का डिज़ाइन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसको रेलिंग को 6 इंची हमने पीछे किया है और यहाँ पे खपड़ैल मॉडल इस तरीके से बनाया है दोस्तों। तो ये रेलिंग भी आप देख लीजिए, इसको इधर 2.5 फीट रखा है, यहाँ पे आपका 6 इंची आगे, मतलब इधर 3 फीट हो जाएगा। उसके बाद ये जो राउंड है, राउंड सेंटर में आपका 4 फीट है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये रहेगा। इसको ईंट से कैसे बनाया है, पहले 3 फीट सीधा सीधा, 3 फीट इधर सीधा, उसके बाद 1 फीट ये आगे, मतलब 6 इंची गैप करके 1 फीट फिर आगे कर दिए, उसके बाद राउंड कर दिया। इसमें आपका ग्रिल का यूजेज, और इसमें भी आप देख सकते हैं तो कॉर्निस का डिज़ाइन इस तरीके से, ईंट से आपको इस तरीके से बनाना है, वही सेम पैटर्न इधर भी, वही सेम पैटर्न इधर भी। तो ये पूरा एलिवेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगा, जिससे आपका ये बरामदा काफ़ी बड़ा हो गया है दोस्तों। तो ये पूरा एलिवेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये एलिवेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। अगर नक्शा बनवाना है तो कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।